हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आइए देखते हैं 6 पार्ट में क्या दे रखा है और उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने 5 पार्ट पढ़ाया था, उससे आगे की कहानी पढ़ते हैं। चलो, जीजाबाई ने शिवाजी को स्त्री मात्र का आदर देने की शिक्षा दी थी। जीजाबाई जो थी, उन्होंने अपने पुत्र को स्त्री का क्या करने की शिक्षा दी थी? आदर सम्मान करने की शिक्षा दी थी। इसलिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि किसने दी थी? शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि यदि युद्ध में कभी भी स्त्रियों को बंदी ना बनाया जाए, मतलब कि उन्होंने ये कहा था कि कभी भी युद्ध में कुछ भी होता है पर उस युद्ध में हमें क्या नहीं करना है, तुम लोगों को क्या नहीं करना है, स्त्रियों को बंदी नहीं बनाना। और यदि कभी शत्रु पक्ष की कोई स्त्री मिल जाए तो सम्मान पूर्वक उसके संरक्षकों के पास भेज दिया जाए, मतलब कि अगर युद्ध में कोई स्त्री आपको मिल जाए तो उसको क्या करना है, सम्मान पूर्वक उनके रक्षकों के पास भेज दिया जाए। जब शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्र वधू को बंदी बना लिया, किसने? सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्र वधू, मतलब कि पुत्र की पत्नी को बंदी बना लिया। तो शिवाजी ने उस बंदनी में अपनी माँ के ही दर्शन किए। शिवाजी जो थे, उन्होंने उस पुत्रवधू को देखा तो उसमें उसको क्या दिखाई दिया, उसमें अपनी माता दिखाई दी, मतलब कि जीजाबाई के ही दर्शन हुए। और उसे बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास भेज दिया। उन्होंने फिर क्या किया, शिवाजी ने उसको बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास भेज दिया। धर्म के संबंध में जीजाबाई बड़ी उदार हृदय थी, मतलब कि जो धर्म से संबंधित जो कार्य होते थे वो उनकी जो माँ थी जीजाबाई, बड़े ही प्रेमी और दया की देवी थी। वो हर स्त्री पर दया करती थी या जो भी अच्छे कार्य करते थे तो उस पर क्या कर देती थी, दया कर देती, बड़ी उदारता दिखलाती थी। उनकी इस उदारता की शिवाजी पर पूरी छाप थी। जिस प्रकार उनकी माँ उदारता के साथ सब पे दयावान रहती थी, उसी प्रकार शिवाजी भी रहते थे। उनकी पूरी छाप उनकी माँ की ही थी, किस पे? शिवाजी पर। वे भी सब धर्मों का सम्मान करते थे। शिवाजी जो थे, वो भी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने यह आज्ञा दे रखी थी कि कभी युद्ध में किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंचाई जाए, मतलब कि जहाँ पे मुसलमान लोग पूजा करते हैं ना, उसको मस्जिद बोलते हैं, उसको कभी भी युद्ध में क्या नहीं पहुंचाई जाए, नुकसान ना पहुंचाया जाए। और कुरान शरीफ का उचित सम्मान किया जाए। जो आपने देखा है ना कि जो मस्जिद होती है उसमें एक मोटी सी पुस्तक होती है, उसको क्या बोलते हैं, कुरान शरीफ बोलते हैं, जिसमें से जो मोमडन जो होते हैं, जो मेन जो किरदार निभाता है उसमें, जैसे आपने देखा है ना मंदिरों में सबसे मेन कौन होते हैं, पंडित जो होते हैं, मंदिर की साफ सफाई करती है, भगवान की देखरेख करते हैं, उसी प्रकार मस्जिद में भी एक होते हैं। कुरान शरीफ का उचित सम्मान किया जाए, मतलब उनका भी उचित सम्मान किया जाए, उनका भी आदर किया जाए। 6 जून 1674 ई को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। जब कोई राजा अगर किसी युद्ध में विजय प्राप्त करके आता है तो उसका क्या होता है, उसी राज्य में क्या होती है, उसकी राज्याभिषेक की विधियां प्रारंभ होती है। फिर उस देश का उसको क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। तो इस कहानी में भी क्या कहा है, जब उन्होंने वहां पे विजय प्राप्त कर ली थी तो वहां पे उनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, मतलब राजा की पद्धति पे बिठाने का निर्णय लिया गया था। उस समय शिवराज की जय, मतलब कि जब उनका राज्याभिषेक हो गया था तो वहाँ के लोगों ने क्या बोला और किस चीज़ के नारे लगाए थे, आइए देखते हैं। उस समय शिव राज्य की जय, छत्रपति शिवाजी की जय के साथ माता जीजा बाई की जय का गगन बेदी नाद भी गूंज उठा, मतलब कि इन सब की क्या होने लगी, जय जयकार होने लगी।
कौन लोग करने लगे, वहाँ की नगर की जनता करने लगी, वहाँ के नागरिक करने लगे शिवाजी छत्रपति की और जीजाबाई की गुणगान गाने लगे। शिवाजी के राज्य अभिषेक के 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में, जब शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था उसके 12 दिन के बाद 80 वर्ष की आयु में जीजा बाई का शरीरांत हो गया, मतलब कि मृत्यु हो गई। इस स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का उनका स्वप्न पूरा हो चुका था। जीजाबाई ने अभी तक जो भी स्वप्न देखे थे, सबसे मेन उद्देश्य क्या था, उनका सबसे बड़ा स्वप्न था कि महाराष्ट्र जो था स्वतंत्र हो जाए और उस पर क्या हो जाए, साम्राज्य की स्थापना स्थापित हो जाए। तो जब लास्ट में जब सारे उन्होंने किले जीत लिए थे, सब पे विजय प्राप्त कर ली थी उनके पुत्र ने और जीजाबाई ने, तो लास्ट में उन्होंने महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना भी कर ली थी, जो उनका सबसे बड़ा ही स्वप्न था। तो बच्चों आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है और इससे आगे का न्यू चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो बच्चों इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको देती हूँ, जो आपको किसमें करने, अपनी पुस्तक में करने हैं और साफ साफ राइटिंग में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको बच्चों मैंने आगे का तो सारे प्रश्न आपको करने के लिए दे दिए जो आपने कर भी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द जानते हो ना बच्चों, आपने 6 क्लास में करे भी हैं, जैसे राजा को क्या बोलते हैं, राजा को निरप भी बोलते हैं, मतलब कि राजा के 3 और शब्द लिखने हैं। जैसे माता को क्या बोलते हैं, जननी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, अम्बा बोलते हैं। तो इसी प्रकार राजा, माता, पिता, इनके 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। और नीचे लिखा है समास विग्रह कीजिए, इसको समास विग्रह करना है। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने बुक में करने हैं और कार्य करने हेतु ये क्वेश्चन दिए गए हैं। पुस्तकालय से शिवाजी के जीवन चरित्र पर कोई पुस्तक लेकर पढ़िए तथा शिवाजी पर एक निबंध लिखे। अभी जो हमने शिवाजी की कहानी पढ़ी है उससे संबंधित आपको यहाँ पे कहानी लिखनी है। ठीक है बच्चों, अपनी ही लैंग्वेज में लिखना, अपनी ही भाषा में लिखना। ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी हमारी यही समाप्त होती है। आगे का नया चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।